बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी का पारिवारिक मामला कोर्ट में है, वहीं दोनों का जल्द ही ऑफिशियली तलाक भी होने वाला है। इस बीच आलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था, जिसमें वह मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई थी। वो इस वीडियो के बाद लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर वह शख्स कौन है। अब हफ्ते भर बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है। वहीं उन्होंने बताया कि आखिर वह आदमी कौन था जिसके साथ वह वीडियो में नजर आई थी। तो आपको बता दें कि आलिया सिद्दीकी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह शख्स कौन है। उन्होंने बताया कि वे दुबई में रहते हैं और आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। उस शख्स के साथ उनका क्या रिश्ता है, इस बारे में भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनकी टूटने की वजह नहीं है। वहीं आलिया सिद्दीकी ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक साल पहले हुई थी, जिस वक्त वह सबसे ज्यादा परेशान थी, तो वह उनका इमोशनल सपोर्ट बने थे। वहीं दोनों अब एक दूसरे को अपनी भाषाएं सिखा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वह उनके साथ फ्रेंच और इटली सीख रही हैं, तो उन्हें भी वह हिंदी सिखा रही हैं। वैसे बता दें कि वीडियो वायरल होने पर आलिया सिद्दीकी ने कहा कि अगर मैं खुश हूं तो लोग मेरे कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। मैंने 2 साल पहले तलाक केस फाइल किया था, जबकि उनके मिस्ट्री मैन के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ साल भर पहले हुई थी। ऐसे में वह कैसे उनकी शादी टूटने की वजह बन सकते हैं। साथ ही आगे कहा कि हमारा तलाक केस अभी भी चल रहा है, मैं पिछले 19 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं मेंटली थक चुकी हूँ, अब जाकर मैं मूव ऑन कर रही हूँ। वैसे मालूम हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी का मामला कोर्ट में है। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला था। आलिया ने तो एक्टर पर रेप तक का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन पर मानहानि का केस किया था। वैसे क्या लगता है कि क्या आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर झूठे आरोप लगाए थे। वैसे अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आलिया सिद्दीकी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी में कौन सही है। फिलहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।